नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए पहला वीडियो। क्लास 11th में जो कॉमर्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कई दिनों से कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारा वीडियो कब आएगा, हमारा वीडियो कब आएगा। मुझे टेक्स्ट बुक लेट मिली, इसके कारण वीडियो लेट हो गया और बीच में मैं दो दिन घर पर नहीं था, उस कारण भी डिले हुआ है, उसके लिए माफी चाहूंगा। एक और चीज के लिए माफी चाहूंगा, कल मैंने पूछा था कि आप बेसिक पहले करना चाहते हैं या एक्सरसाइज करना चाहते हैं। ज्यादा लोगों का कहना है कि सर हम बेसिक करना चाहते हैं। तो बेसिक के लिए देखिए, मैंने दो वीडियोस की लिंक देके रखी है और वो दोनों वीडियोस पूरा का पूरा आपकी बुक के ऊपर है। हालांकि मैंने वो एनसीईआरटी और हमारी टेक्स्ट बुक को मिला के वो बनाया था। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सरसाइज तो आप हंसते खेलते कर लोगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखी है। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि मैं आपको बेसिक से नहीं करवा रहा हूँ, वो इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने दो वीडियो बना के रखे हैं। अगर मैं वो करता हूं तो हम और दो वीडियो लेट हो जाएंगे, एक्सरसाइज हम दो वीडियो लेट शुरू करेंगे। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अभी आप बड़े हैं और आप उसको देख के आराम से उसको कर सकते हैं। मतलब जो मैंने पढ़ाया है, आपकी टेक्स्ट बुक आप साथ में रखिए, आपको लगेगा कि मैंने टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाया है, तो वो आपकी टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है, कुछ भी नया नहीं है उसमें। मैंने कुछ चीजें एनसीईआरटी की बुक से लेके रखी थी जिससे आपका फायदा होगा, और सेट से चैप्टर हमने 9th में भी किया है तो आराम से हो जाएगा। चलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता, आज के टॉपिक को शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन हमको देके रखा है वो क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इनटू रोस्टर फॉर्म। हमें जो सेट्स है, ओके, डिस्क्राइब द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेट्स को हम दो तरीके से बता सकते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पर जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें जैसे जनरली हम ऐसे नंबर लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में जनरली हम लिखते हैं इस तरह से, दैट इज एक्स सच दैट एक्स belongs to n and x is less than equal than 3। यहाँ पर आप less than equal than 3 लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं less than 4, तो भी चलेगा। तो आपको जो sets देके रखे हैं यहाँ, हमको उनको किसमें ये करना है, उनको हमको roster form में बताना है। roster form में मतलब उनको इस तरह से बताना है, तो बड़ा ही सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। क्या देके रखा, पहला वाला, पहला क्वेश्चन देके रखा है x such that x is a letter of is the letter of word, okay, कौन सा word देके रखा है, marriage देके रखा है, marriage, marriage, okay। अब marriage में आपको जो यहां पर जो letters लिखे हैं उनको हमको roster form में, मतलब इस form में दिखाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है कि हम क्या करें, ये इसको M लिख ले पहले, फिर A लिख ले, जो जो लेटर से लिखते जाए, फिर R लिख ले, फिर R एक बार और आ गया तो R को रिपीट करने की जरूरत नहीं, फिर I लिख ले, ठीक है, उसके बाद हम A लिख ले, A ऑलरेडी लिखा है, फिर G लिख ले, ओके जी, और फिर E लिख ले, बस ये हो गया इसका कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी इस पर डिफिकल्ट नहीं है। एक और चीज, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन के ऊपर करवा रहा हूँ, लाइनिंग वाले पेज पे करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर थ्योरी मुझे लिखना है, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया समझने में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या देके रखा है, सेकंड बड़ा ही सिंपल है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग, सॉरी, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, ओके, क्या बोलता है, मैं इसको सेट ए ले लो भाई, सही रहेगा यहाँ पर, इसको सेट बी ले लो, नाम ले लो तो सही रहता है, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है वो भी तरीके से लगाते, चलिए एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, ओके, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, सेकंड वाला है, और क्या बोल के रखा है, -1/2 < x < 9/2। अब देखो भाई, -1/2 और ये देके रखा है -9/2। अगर मैं यहां पर आपको समझाने के लिए ये नंबर लाइन ले लूं, ठीक है, थोड़ी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर एक, ठीक,
मैं कहीं बीच में आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, और मैं यहाँ पर मार्किंग भी कर लेता हूँ, ये एक मार्किंग कर लेता हूँ। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ एक एरो लगाइए, यहाँ एक एरो लगाइए, यहाँ बीच में जीरो लगाइए, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है और ये फाइव है, यहाँ पर ये माइनस वन है। अब देखिए माइनस वन अपॉइंट टू कहाँ आता है, माइनस वन अपॉइंट टू यहाँ आएगा, यहाँ पर ये माइनस वन अपॉइंट टू, और ये क्या है नाइन अपॉइंट टू, मतलब साढ़े चार, तो ये नाइन अपॉइंट टू यहाँ आएगा। हमें क्या बोल रहा है, इंटीजर बोल रहा है, तो इंटीजर में हमको ये लिखने की जरूरत है क्या? जी नहीं, हमें इंटीजर्स में सीधे सीधे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लिखना है। तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कौन से, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, तो यहाँ लिख लो बी इज इक्वल टू दैट इज जीरो वन टू थ्री एंड फोर, ये हो गया इंटीजर्स का सेट। ठीक है, इस तरह से है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर माइनस थ्री अपॉन टू होता तो फिर हम माइनस वन भी लेते, ठीक है, क्योंकि फिर वहां पर हम देर तक जाते ना, माइनस थ्री अपॉन टू मतलब 1.5 तक जाते। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद अगले पे हम आते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड क्या देके रखा है हमें, थर्ड क्वेश्चन है इसमें दैट इज सेट सी, ले लो उसको। जब भी आप सेट लिखो तो कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करो, सही रहता है। दैट इज एक्स एट दैट एक्स इज इक्वल टू टू एन, ओके जी, और बोलता है एन बिलोंग्स टू एन, ओके। अब ऐसा है कि 2n के इक्वल है, 2n के इक्वल मतलब क्या है, 2n के इक्वल है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो क्या है, वो इवन नंबर है, और क्या है, नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो यहां पर लिख लो c इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, एंड सो ऑन। यहां पर इसकी कोई हमको लिमिट दे के नहीं रखी है, तो यहां लिख दो 10 और इसको कर दो डॉटेड लाइन, ये आपका सेट सी हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन वन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। आप ये क्वेश्चन वन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आइए दोस्तों इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो देखे रखा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इनको दिखाना है। तो इसमें पहला वाला हमको देखे रखा है, पहला वाला सेट में इसको सेट ए लिख लेता हूं, और वो देखे रखा है सिर्फ और सिर्फ जीरो, हमें जीरो देखे रखा है, जीरो को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना। तो जीरो क्या है, जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो आप ऐसा लिख सकते हो a इज इक्वल टू x एट दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, ओके, और या फिर ऐसे लिखो x एट दैट x इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये ऐसे भी चलेगा। इसको एक और तरीके से आपको बता देता हूं, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो दैट a इज इक्वल टू x एट दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, सॉरी belongs to whole number, but x is not a natural number, क्योंकि जीरो जो है वो natural number नहीं है लेकिन whole number है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, आपको जैसे जमता है वैसे लिखो, चलता है आपको जैसे लिखना है। ठीक है, चलिए आगे इसमें आते हैं, अगले वाले टाइप पे आइए, इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या देके रखा है, वो देके रखा है, इसको सेट बी ले लो, क्या है वो है जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री। तो ये क्या है, अगर आप देखें तो ये इंटीजर्स है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इंटीजर, और लिख दो माइनस थ्री लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन थ्री, ये हो गया जी, ऐसे लिखो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस फोर लेस देन एक्स लेस देन फोर प्लस फोर, तो उसके बीच में आएगा। यहाँ पर ये लिखो, ये लिखो, या फिर इसको और तरीके से आप लिख सकते हो दैट इज कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड फिर अगेन यही चीज हमको वहां पर लिखना पड़ेगी। तो ऐसे लिखो या वर्ड्स में लिखो, ठीक है, वर्ड्स में लिखो या सिम्बॉल्स में लिखो, चलता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम आते हैं, अगला वाला टाइप में करते हैं। आइए दोस्तों अब अगला करते हैं, इसमें थर्ड वाला वो देखे रखा है c इक्वल टू 1/2 2/5 3/10 4/17 5/26 6/37 और 7/50। अब इसमें क्या है, अगर ऊपर देखें यार तो ऊपर तो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन नीचे क्या है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ से 2 से 5 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ 5 बढ़ रहा है, फिर यहाँ 7 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, ओके। कैसे इसको, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पर एक और तरीका है, देखो इसके इसका स्क्वायर करके एक बढ़ाओ तो 2 होता है, ओके, 2 स्क्वायर होता है 2 स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 3 स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 4 स्क्वायर 16, 16 और 1 17, 5 स्क्वायर
25 25 प्लस 1, तो इस तरह से हो जाएगा। ऐसे जो यहाँ पर बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, ये इसको हम बराबर लिख नहीं पाएंगे, रूल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ लिखिए सी बिलोंग सी सच इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, एन बिलोंग्स टू एन। और यहाँ देखिए सबसे बड़ा जो नंबर है लास्ट नंबर 7 है, तो आप क्या लिखेंगे दैट एन लेस देन इक्वल देन 7, ठीक है। एन जो है वो 7 तक के नंबर है, वो 1 से लेकर 7 तक के, या फिर लेस देन 8 लिखते तो भी चलता, यहाँ इक्वल देन लिखा इसके लिए 7 आ रहा है, ठीक है। अब आप सोचिए सर ये कैसे आया, देखो इसका एक काम करते हैं, मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। डी इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास ये नंबर है, जैसे कि 1/2 में ले लेता हूँ, 2/10 में ले लेता हूँ, ठीक है, 3/28 ले लेता हूँ, 4/65 ले लेता हूँ, 5/126, और यहाँ पर मैं इसको रोक देता, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो रूल क्या है, यहाँ 1 तो ठीक है, ऊपर तो n है, लेकिन नीचे n क्यूब प्लस 1 है, देखो 2 क्यूब, इसको 9 कर दो, सॉरी इसको यहाँ पर 9 करो, ये मैंने n क्यूब लेके चला था। अब 2 क्यूब होता है 8, 8 और 9, 3 क्यूब होता है 27, 27 और 1 28, 4 क्यूब होता है 64, 64 और 1 65, 5 क्यूब होता है 125 और 1 126, तो इस तरह से रूल बनेगा यहाँ। तो यहाँ फार्मूला क्या होगा, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n क्यूब प्लस 1, वेयर n इज नेचुरल नंबर, और ये 5 तक है, ये 5 तक है, तो n लेस देन इक्वल देन 5। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्या देके रखा है, इफ a इज इक्वल टू x सच दैट 6x² प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और देके रखा है अगली वाली इक्वेशन दैट इज x सच दैट 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड c देके रखा है x सच दैट x 2x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड दिस। अब हमें यहाँ पर तीनों जगह पर हमें इक्वेशंस देके रखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देके रखी, तो हमको इनके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। सॉल्यूशन में देखिए आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो दो आंसर्स यहाँ होंगे सभी जगह पर, ठीक है। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, हमको तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, जो 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 नंबर्स आएंगे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और उसके बाद हम यूनियन और वहाँ पर इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इस पर डिफिकल्ट नहीं है। क्या करेंगे, लिखिए यहाँ पर, सबसे पहले काम कीजिए, सबसे पहले लीजिए 6x² प्लस एक्स माइनस 15, क्या होगा 6, देखो 15 सिक्सा 90 होता है, माइनस का 90 होता है, मैं इसको इक्वल लिख लेता हूँ क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 90 होता है तो मैं इसको लिख लूँ 10x माइनस 9x, ये सब क्यों किया, 15 सिक्सा 90 होता है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, तो यहाँ पर बीच में तो 1 है, x है, मतलब सिर्फ 1x है, तो 15 सिक्स 90 को आप 10 इंटू 9 लिख सकते हैं, 10 माइनस 9 किया तो 1 आ जाएगा, और 10 इंटू 9 माइनस 9 किया तो माइनस 90 आएगा। अब यहां पर दोनों जगह पर हमको पेयरिंग कर लेना है, कैसे पेयरिंग करेंगे, इन दोनों की पेयरिंग करो, ठीक है, ये दोनों का पेयर और ये दोनों का पेयर। अब यहां अगर हम देखें तो दोनों जगह पर ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो आप चाहे तो एक स्टेप लिख लीजिए 2 × 3x² प्लस 2 × 5x, और ये दोनों जो है ये 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 × 3x माइनस 3 × 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम पेयरिंग कर लेते हैं, ये दो की पेयर और यहाँ पर ये दो की पेयर, यहाँ दोनों जगह देखिए 2 दोनों जगह पर है, तो 2 कॉमन निकाल लो, और दोनों जगह x भी है तो x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x प्लस 5। अब देखिए यहाँ दोनों पेयर में माइनस है, तो हमने क्या, मैंने आपको क्या बताया, जिस भी पेयर में माइनस होता है तो हम माइनस को कॉमन निकालते हैं, लास्ट ईयर सीखा हमने, और ये 3 दोनों जगह, तो 3 को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, यहाँ भी बचेगा 3x प्लस 5, देखो ये माइनस निकल गया, तो यहाँ का ये माइनस भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आ गया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए 3x प्लस 5 यहाँ भी है, 3x प्लस 5 यहाँ भी है, दोनों जगह पर है, तो हम 3x प्लस 5 ही कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और लिख लीजिए बीच में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3x क्या आ जाएगा माइनस 5,
मतलब x क्या आ जाएगा माइनस फाइव अपॉन थ्री, और ये क्या होगा, ये होगा जी 2x इज इक्वल टू थ्री, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन टू। तो ये दो वैल्यू मिल गई सेट ए के लिए, तो सेट ए हमारा हो जाएगा दैट इज माइनस फाइव अपॉन टू थ्री एंड 3 अपॉन टू। अब उसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, दूसरी इक्वेशन जो हमको दे के रखी है दैट इज, एक मिनट थोड़ा मैं कर लूँ इसको डार्क, ओके जी। दूसरी इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 टू जा 6 होता है, बीच में 5 दे के रखा है, तो लिख लो इसको 2x स्क्वायर को 6x प्लस x। ऐसा क्यों, क्योंकि 6 में से 1 गया तो माइनस 5 बचेगा, माइनस 6 में से प्लस x गया तो माइनस 5x बचेगा, और माइनस 3 ऐसा का ऐसे ही। फिर यहां पर दो दो की पेयर्स हो जाएगी, ये दो की पेयर करो ये दो की पेयर करो, क्या होगा, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 2x यहां से कॉमन निकाल लो तो यहां बचेगा x माइनस 3, और यहां कुछ भी कॉमन के लिए नहीं है तो 1 निकाल लो तो यहां भी बचेगा x माइनस 3, यहां से फिर x माइनस 3 कॉमन निकालो तो यहां बचेगा 2x प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, x इज इक्वल टू 3 और हो जाएगा दैट इज 2x इक्वल टू माइनस 1, मतलब x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये दूसरा भी हो गया, अगले वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ओके लिख लेते हैं यहां पर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी 3 टू जो 6 है लेकिन यहां माइनस 1 है बीच में, तो इसको लिखते समय हम ऐसे लिख ले 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3, पेयर बना लो दोनों की, यहां से x कॉमन निकाल लो तो यहां बचेगा 2x माइनस 3, और यहां से कुछ भी कॉमन निकालने के लिए नहीं है तो 1 कॉमन निकाल लो 2x माइनस 3, क्या होगा 2x माइनस 3 को ही कॉमन निकाल लो तो यहां क्या बच रहा है, यहां बचेगा ये x और ये बचेगा प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, और ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1, बीच में और लिख लो। अब यहां पर तीनों का सॉल्यूशन देख के हमको क्या मिला, ये सेट ए के लिए था ये वाला, तो सेट ए क्या बना, सेट ए बना दैट इज माइनस 5 अपॉन 3 एंड ये बना 3 अपॉन 2, ओके। सेट बी क्या बना, सेट बी का आंसर ये है, सेट बी हमारा ये था ना, हाँ जी, तो ये सेट बी का आंसर ये है दैट इज 3, ये क्या बना, ये बना 3 और ये बना माइनस 1 अपॉन 2, और उसके बाद में सेट सी क्या बना, सेट सी क्या बना दैट इज 3 अपॉन 2 एंड माइनस 1, 3 अपॉन 2 एंड माइनस 1। अब आपको यहाँ पर इनका यूनियन निकालना है, तो क्या बुरा है यार, डायरेक्ट लिखो इसको, कुछ भी इसमें नहीं है, पहले ए यूनियन भी निकालो, ठीक है, पहले ए यूनियन भी निकालो। पहला वाला क्या था हमारा, पहला वाला हमारा था हमको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है पहले वाले में, तो हम पहले ए यूनियन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा, वो होगा पहले माइनस वाला लिख लो, माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 3 अपॉन 2 एंड 3, ठीक है। और ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखो 3 अपॉन 2 तो ऑलरेडी इधर है तो माइनस 1 लगाना है सिर्फ यहाँ पर, तो यह होगा माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 3 अपॉन 2 एंड 3, ओके जी। अब इसी तरह से आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेकंड वाला। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, क्या है दोनों में कॉमन, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट है। और सी क्या दे के रखा है, सी ए है, तो दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट हो गया। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। आप अगर इसे लिखना चाहें स्टेप बाय स्टेप तो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या देख रखा है, इफ ए बी सी आर द सेट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इन द वर्ड्स कॉलेज मैरिज एंड लगेज रिस्पेक्टिवली देन वेरीफाई दैट। ओके, हमको वेरीफाई क्या करना है, ए माइनस, मैं यहां लिख लेता हूं जो वेरीफाई करना है उसको, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। हमको इसको वेरीफाई करना है, तो यार बड़े आराम से हो जाएगा ये, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले सेट ए के लिए देके रखा है कॉलेज, तो सेट ए के जो वर्ड है वो जोड़ लो, सी है, ओ है, एल है, ई है और जी है। आई डोंट थिंक अब यहाँ पर और कुछ आएगा, सी ओ एल ई जी, लास्ट में ई है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर सेट बी ले लेते हैं, सेट बी क्या होगा, सेट बी मैरिज है तो एम है, ए है, आर है, आई है, जी है और ई है, ठीक है, रिपीट कुछ भी नहीं है। और फिर सी वाला लगेज वाला है, क्या है, एल है, यू है, जी है, ए है, जी ऑलरेडी हो गया और ई है, ठीक है, चलिए बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, हमको ये वाला पार्ट निकालना है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, पहले बी यूनियन सी निकालो, सॉरी, तो बी यूनियन सी क्या है, इन दोनों का यूनियन, तो पहले एम लिख लो भाई, फिर ए हो गया जी इधर, फिर आर उधर नहीं है, आर लिख लो, फिर देखो क्या क्या हो गया, ए हमारा हो गया जो हो गया उसके ऊपर अंडरलाइन कर लेना, आर हो गया, उसके बाद आई ले लो, आई इधर नहीं है, फिर उसके बाद जी ले लो, जी दोनों जगह है तो जी भी हो गया, और उसके बाद ई ले लो तो ई यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, क्या है, यू बचा है और एल बचा है, तो लिख लो यू एंड एल, ठीक है, ये आपका बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन सी क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो ए में है पर यू में नहीं है। अब ए में और यू में, सॉरी, अगर आपको ऐसा निकालना हो ना कि ए माइनस बी क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि हमको ऐसे एलिमेंट्स लेने होंगे जो ए में है पर बी में नहीं है, ठीक है। उसको समझने के लिए एक काम करते, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि सपोज मेरे पास एक सेट है, वो है 1 2 3, और एक सेट बी है वो है 2 3 4, तो मुझे ऐसे एलिमेंट्स लेना है जो ए में है पर बी में नहीं, तो ए में क्या है, एक है, तो ए माइनस बी क्या होगा, वो एक होगा जो इधर नहीं है, ए में है पर बी में नहीं, ऐसा, तो ए माइनस बी इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, ए माइनस बी यूनियन सी निकालना है, तो हमको ऐसे लेना पड़ेंगे जो ए में है पर इसमें नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पहले लेट मी रेज दिस पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ये जो देखे रखा है, इसमें क्या करेंगे हम कि ए में है, सी इधर है ए में, ओ बी है, एल तो दोनों जगह कॉमन है, ई दोनों जगह कॉमन है, जी भी दोनों जगह कॉमन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आएगा सी और ओ, ठीक है, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्या बोलता है, ए माइनस बी निकालना है, ओके, ए माइनस बी निकालना है, तो पहले ए माइनस बी निकालो, यहां लिखो नाउ ए माइनस बी, तो देखो ए में और बी में क्या क्या है यार, सी ए में नहीं है तो सी लिख लो, ओ नहीं है तो ओ भी लिख लो, एल नहीं है तो एल भी लिख लो, ई है और जी भी है, तो ये हो गया आपका यहां पर सी ओ एल, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया ए माइनस बी। उसी तरह से आप ए माइनस सी भी निकाल लो, सी यहां नहीं है तो सी लिख लो, फिर ओ यहां पर नहीं है तो ओ को भी लिख लो, एल एल है, ई ई भी है और जी भी है, ओके, तो ये हो गया इस तरह से सी ओ आया सिर्फ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम एक मिनट, यहां पर हमको इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों का, तो लिखो यहां पर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, तो दोनों में कॉमन क्या, सीओ दोनों में है तो लिख दो सी और ओ, ये इक्वेशन टू। अब देखो भाई सीओ दोनों जगह पर है, सीओ दोनों जगह पर है फ्रॉम वन एंड टू, यहां लिख सकते हो आप, यहां आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट फ्रॉम वन एंड टू ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी
इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो इस तरह से इसको करना है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बड़ा है, इसके अंदर 7 क्वेश्चन है, तो मैं आपको शुरू का एक या दो क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हूं, बाकी आपको खुद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको पहला वाला जो है वेरिफिकेशन का वो क्या देके रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, इफ ए इज इक्वल टू देके रखा है 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू देके रखा है 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू देके रखा है 4 5 6 7 8, और यूनिवर्सल सेट एक्स देके रखा है दैट इज 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वेरीफाई करना है कि ए यूनियन, ओके पहला वाला क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, इस तरह से करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक काम कर लेना है, क्या करना है आपको कि यहां पर एक मिनट मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं, वो इसलिए कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और जब भी वेरीफाई का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहां पर इनके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकाल लीजिए। जैसे ए डैश क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने के पहले ए डैश निकाल लो, क्या है 1 से 4 है तो यहां होगा 5 6 7 8 9 एंड 10। बी डैश क्या होगा 1 2, भाई इसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में होगा वही कॉम्प्लीमेंट में निकलता है ना, तो इसमें 3 4 5 6 छोड़ दो और बाकी सारे लिख लो, 3 5 3 4 5 6 छोड़ दिया, तो 1 2 7 8 9 एंड 10, और सी डैश भी निकाल लो यहाँ पर 4 से लेके 8 तक है तो यहाँ हो गया 1 2 3 एंड 9 10, ठीक है। ये इसके लिए कि आगे आने वाले टाइम में आपको इनकी भी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हमको निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले आपको बी यूनियन सी निकालना होगा, इसके लिए आपको बी यूनियन सी निकालना होगा, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालो, दोनों में कॉमन क्या है 4 5 6। ओके देखो ये 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या हो गया 4 5 एंड 6, और ए के साथ यूनियन करना है तो ए तो 1 2 3 4 है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, वो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों में मिल जाते हैं। यूनियन में क्या होता है, सारे को मिला देते हैं, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन 1, हमको दोनों का यूनियन निकालना, ए का यूनियन सी बी से भी और किससे, सी से भी, तो पहले हम क्या करेंगे यहां लिखो नाउ ए यूनियन बी निकाल लो, वो 1 से 4 है और 6 है तो ये तो वही होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, और जो है ए से सी निकालोगे तो 1 2 3 ये 8 तक जाएगा, बहुत बढ़िया, कहां तक जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, तो हो गया यार ये तो, दोनों में क्या कॉमन है देखो, ए 1 से लेके 6 तक सब में कॉमन है 1 2, थोड़ा राइटिंग खराब आ रहा है माफ कीजिए उसके लिए, थोड़ा उसको ऊपर कर लेते हैं, सेवन वाली तो बात ही नहीं है, ये देखो यहाँ पूरा ये कॉमन है, ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा 1 से लेके 6, सॉरी 1 से लेके 6 इतना जाएगा, 7 तक तो जाएगा नहीं, तो ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2 दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी is equal to A union B intersection A union C। दोस्तों इस वीडियो में यहीं पर रुकता हूं, इसमें आगे के जो क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए कुल मिला के 7 क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप कोशिश कीजिए इसमें से कितने आपसे सॉल्व होते हैं, जो आपको नहीं जमते आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर आप ये वाला भी करवा दीजिए, तो फिर मैं आगे के वो क्वेश्चन वहीं से शुरू करूंगा कल का जो वीडियो होगा। तो आज एक आपको एक काम करना है कि आपको आज कमेंट करना है। देखिए एक और चीज आपको बताओ कि रोज आपके छोटे छोटे वीडियो आएंगे, लेकिन रोज कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको डालो, क्योंकि मुझे रोज हर दिन मुझे साइंस के ग्रुप के लिए भी वीडियो डालना है, तो आपके लिए और उनके लिए दोनों के लिए एक साथ डालना है, तो थोड़े छोटे वीडियोज आएंगे, लेकिन हाँ रोज आपके लिए कुछ ना कुछ आते रहेगा, तो आप उतना तो भी करते चलिए, आराम से आपकी बुक्स होगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, शुरू हो गया, एक बार शुरुआत कठिन होती है एंड कठिन नहीं होता। ओके दोस्तों, तो यहां पर मैं रुकता हूं,
आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, बताइए कौन से क्वेश्चन इसमें जो मैंने छोड़े हैं वो आप चाहते हैं कि सर आप ये भी करवाइए, तो डेफिनेटली मैं करवाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, जो आप चाहते हैं वो सारा करवाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कुल मिला के 7 क्वेश्चन है और मुझे लगता है 7 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हैं और जो अपने अगर बेसिक वाला आप पहले इस वीडियो के पहले अगर बेसिक वीडियो देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन इसमें नहीं जमा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली मैं आपको वो सॉल्व करके बताऊंगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहे पवन एकेडमी, धन्यवाद।